नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच हमारे अतीत भाग एक पाठ तीन को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। उससे पहले पिछले पाठ जो हमने पढ़ा था उसकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। आप भी इसको ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि महत्वपूर्ण तिथियाँ, मध्य पाषाण युग 12,000 से 10,000 साल पहले। मध्य पाषाण युग कब से है? 12,000 से 10,000 साल पहले। यहाँ से प्रश्न आया है और आएगा भी, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है, बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ था? लगभग 12,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ था? तो लगभग 8,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ हुआ था लगभग आपका 10,000 साल पहले, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, हम अब तीसरा पाठ पढ़ते हैं। इसका नाम है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर के बारे में जानते हैं कि क्या सब कहता है। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इसकी मतलब इतनी सुंदर नक्शकारी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिख करके कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुन करके जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। आगे देखते हैं हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी क्या कहता है? अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बतलाती हैं। जो पुरानी इमारतें हैं वो अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। कहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी? पंजाब में। कितने सौ साल पहले बिछाई जा रही थी? 150 साल पहले। तो इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल दिखा। क्या दिखा इंजीनियरों को? हड़प्पा पुरास्थल दिखा। तो यहाँ कह रहे कि आधुनिक पाकिस्तान में है। अब कहाँ पर है ये हड़प्पा पुरास्थल? तो आधुनिक पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी, और यह सोच करके वे हड़प्पा के खंडहरों से ईंटें उखाड़ करके ले गए जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। वहाँ से ईंटें उखाड़ कर फिर रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से क्या हो गई? नष्ट हो गई। स्वाभाविक है, यदि हम इमारतों से ईंट निकाल लेते हैं तो वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। कौन से महाद्वीप के? उपमहाद्वीप के। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले सभी तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इस शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा नगर की या हड़प्पा सभ्यता में जो नगर हुई थी उसका निर्माण लगभग कितने सौ साल पहले हुआ था? तो 4700 साल पहले। इस बात को जरूर ध्यान रखना, यहाँ से कई बार प्रश्न आ भी चुका है। कहता है कि प्रायः पुरानी इमारतें को तोड़ करके उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? आप लोग मनन कीजिए कि पुराने इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। इन नगरों की विशेषता क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि इन नगरों की विशेषताएँ क्या थी। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊँचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा? नगर दुर्ग कहा, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा भी जा चुका है और प्रश्न आ भी सकता है। दोनों हिस्से की चार दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई गई थी। किसकी बनाई गई थी?
पक्की ईंटों की बनाई गई थी, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों में, नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। मोहनजोदड़ो में जो तालाब बनाया गया था उसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा? महान स्नानागार कहा। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आता है, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। इस तालाब को बनाने में क्या किया गया? ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी और इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां थी। कितने तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां थी? दो तरफ से। चारों ओर कमरे बनाए गए थे, तालाब के चारों ओर कमरे भी बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। इसमें भरने के लिए पानी कहाँ से निकाला जाता था? कुएं से। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। विशिष्ट अवसरों पर, यहाँ पर विशिष्ट नागरिक जो है वो स्नान किया करते थे, ऐसा ये पाठ कह रहा है। आगे कह रहा कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? ऐसा प्रश्न आया है और आएगा भी। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखना आप लोग। जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। क्या किए जाते होंगे? यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। भंडार गृह कौन कौन सी जगह मिले हैं? हड़प्पा में मिले हैं, मोहनजोदड़ो में मिले हैं और लोथल में मिले हैं। चलिए अब हम लोग एक ग्राफ में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या सब दिया हुआ है। इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिए। मानचित्र नंबर 3, ये कह रहा है कि उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर यहाँ पर है। अब कौन कौन सा है देख लीजिए। झेलम नदी यहाँ जा रही है, चेनाबी यहाँ है, रावी यहाँ है और हड़प्पा सभ्यता वाली यहाँ पर है। राखी गढ़ी यहाँ है, कालीबंगा यहाँ है, सिंधु नदी यहाँ से जा रही है, उसके बगल में यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, सोत का कोह यहाँ पर है और चनहुदरो ये भी यहाँ पर है। इस तरह से सारे को आप देख लीजिएगा। यहाँ से भी वो प्रश्न उठाता है, धौलाबीरा, सूर, कोतदा, लोथल और अरब सागर। अरब सागर इस तरफ से है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये देख लीजिए, ये जो बनाया गया था, हम जो कह रहे थे कि तालाब बनाया गया था, वो इस तरह के तालाब बनाए गए थे। ये चारों तरफ देखिए रहने के लिए बनाया गया था, यहाँ 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 और यहाँ पर उतरने के लिए सीढ़ी है, एक यहाँ पर उतरने के लिए सीढ़ी है। इसको विशेष अवसर पर क्या किया जाता था? तो भर दिया जाता था और भरने के बाद जो है इसमें सब क्या करते थे? नहाते थे विशिष्ट अवसरों पर। यही महान स्नानागार है, तालाब है, इसको आप लोग देख लीजिए ध्यान से। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। आगे है कि भवन, नाले और सड़कें, ये सब क्या कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। कितने मंजिले होते थे? एक या दो। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। घरों की नाली को किससे जोड़ दिया जाता था? सड़कों की नालियों से, जो बाद में बड़े नालों में जाकर के मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, मेन होल ढके रहने के लिए, जिनके जरिए इनकी देखभाल भी किया जाती थी, सफाई भी किया जाता होगा कि कैसे इसके अंदर कूड़ा कचरा तो नहीं भर गया है। नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। नाले का भी और सड़क का भी, दोनों का काम क्या किया जाता था? एक साथ ही किया जाता था। आजकल क्या करते हैं? नाली को छोड़ देते हैं, पहले सड़क का कर देते हैं, कभी क्या करते हैं? नाली को करते हैं तो सड़क का नहीं करते हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, दोनों का जो है वो एक ही साथ किया जाता था। अब हम देख लेते हैं, ये है आपका हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई कैसे किया जाता था। देखिए कैसे ईंट बनाए जाते थे, थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे ईंट बनाए जाते थे। ये इतनी मजबूत ईंट थी कि इतनी साल पुरानी होने के बावजूद इसको रेलवे लाइन बिछाने में उपयोग में लिया गया था। इतनी मजबूत ईंटें होगी, आजकल ऐसी ईंटें नहीं होती हैं, आप इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि नगरीय जीवन, अब नगरीय जीवन कैसे था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी,
यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे, जो यहाँ के शासक थे वही योजनाओं को बनाने में लगे रहते थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज करके दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी के बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। इन नगरों में क्या लिपिक होते थे? तो हाँ होते थे। वो क्या करते थे? तो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। ये लिपिक जो थे वो मुहर जो बनाते थे उस पर भी लिखते थे और अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे जो बच नहीं पाई उस टाइम से आज तक उसको ढूंढा गया लेकिन बच नहीं पाई। देखिए ये मेन होल यही है जहाँ से अभी मैं इसके बारे में बताऊँगा, पहले यहाँ पढ़ लेते हैं। कहा कि इसके अलावा नगरों के शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे और लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी क्या लाते थे? वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। क्या सब लाते थे? वहाँ की जो उपयोगी बस्ती थे वो तो ले ही आते थे और कुछ दूर की जो किस्से कहानियाँ थी वो भी ले आते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते थे? अब आप लोग देख लीजिए, उसके बाद सूची हम बोलते हैं। स्कूल में जैसे बच्चों को बनाने के लिए वैसे आप बना लीजिए सूची। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि सबसे ऊपर क्या है? मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाली, ऊपर एक कुआं, ये वाला कुआं है। बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मुहर भी है, ये देख लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि मुहर कैसे होता था, देख लीजिए ध्यान से। एक खास लिपि में है, उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वान ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है, ये जो लिखा है। उसके बाद फिर देख लीजिए, उसके बाद क्या है कि लेकिन अभी भी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसमें क्या लिखा है। और दाईं ओर ये रहा, और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। क्या इससे बच्चे क्या करते थे? खेलते थे। आजकल भी हम लोग बच्चों को खेलने के लिए इसी तरह के मिट्टी के खिलौने देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। आगे है कि नगर और नए शिल्प के बारे में जानते हैं। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातुओं के बनाई गई थी। किस किस की? पत्थर की, शंख की, तांबे की, कांसे की, सोने की, चांदी के जैसी धातुओं से। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। किससे? तांबे से। कांसे से क्या बनाए जाते थे? औजार, हथियार, गहने और बर्तन। जैसे सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ कह रहा है कि सोने चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। मनके, बाट और फलक हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं, ऊपर पत्थर के बाट, ये देख लीजिए। पहले ऐसे पत्थर के बाट मतलब वजन करने के लिए कुछ होता था जिससे क्या करते थे हम लोग, तौलते थे। इसे बाट कहा है। यहाँ पर कितने ध्यान से उपयुक्त तरीके से बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया। इन्हें किससे बनाया गया था ऐसा प्रश्न आया है और आएगा। चर्ट पत्थर थे। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं के को तौलने के लिए बनाया जाता था। बहुमूल्य पत्थर या धातुओं को तौलने के लिए इन्हें बनाया जाता था। देखिए यहाँ मध्य में बाएं में मनके के कई कनी क्या है ये देखिए, कर्नीलियल पत्थरों से क्या है, कर्नीलियल पत्थरों से बनाए हैं। पत्थरों को काट करके, तराश करके मनके बनाए गए। इसके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डाल करके माला बनाई जाए। मध्य व में दाएं पत्थर के धारदार फलक भी है, ये वाला धारदार फलक। और ये देख लीजिए जो पहनते हैं, बनाते हैं, जो मैंने बोला था आपको इस ये है, इसको बनाया गया था। ये धारदार जो है वो क्या है, औजार है। उसके आगे देखते हैं अब हम, नीचे कढ़ाईदार
वस्त्र। अब आगे ये इसके बारे में कह रहे हैं, बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार पृष्ठ 27 पर मोहरों का सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं, देखेंगे आगे हम। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उसको भी हमने पृष्ठ 6 पर देख लिया था, जो मिट्टी का बर्तन था। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? तो वहाँ तो नहीं होता था, ऐसे तो नहीं देखा था हमने। अब आगे देखते हैं, क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? ऐसा वहाँ नहीं था। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। सबसे पहले जो कहा, कपास की खेती मेहरगढ़ में 7000 साल पहले होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं और चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुल अन्य तावे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। ये कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। कपड़े के अवशेष, टुकड़े, कपड़े के टुकड़े, चांदी के फूलदान भी मिला है, ढक्कन भी मिला है, पक्की मिट्टी तथा फैंस। यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है कि पक्की मिट्टी के फैंस से बनी तकलियाँ, सूत कताई का संकेत, जिससे सूत काटते थे, वो भी वहाँ से मिली हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया है कि यहाँ दिया गया कि नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ये वाला कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ये अवशेष मोहनजोदड़ो से मिली हैं। आज तक इतना ही रहने देते हैं, अगले फिर दूसरे टॉपिक में इसी चैप्टर को लाएंगे, दूसरे पार्ट में लाएंगे। आप लोग तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ध्यानपूर्वक इसे देखें। सधन्यवाद।